तो हमारे गेम के अंदर वापस से आ चुका है स्पाइडरमैन। आज हम कंप्लीट करने वाले मिशन को ताकि स्पाइडरमैन यहाँ से जा सके। तो हमारे पास आ चुकी है हायाबुसा बाइक। हायाबुसा बाइक से हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इस मिशन को। स्टार्टिंग पॉइंट आ चुका है, हमें जाना है फिनिश लाइन तक। देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। और तो हम निकल चुके हैं यहाँ पर बाइक को लेकर। एक्सीलेटर हमने काफ़ी दबा दिया है, चलते हैं आगे। और भाई साहब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार वाली बाइक यहाँ पर चल रही है। और भाई साहब आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना और साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ से हमें टर्न लेना पड़ेगा आगे, और रास्ता थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो सकता है, बट यहाँ पर हमें निकलना पड़ेगा। तो आगे यहाँ पर हम यहाँ पर निकल चुके हैं यहाँ से, और आगे चलते हैं देखते हैं क्या होता है। और बिल्डिंग के ऊपर से हम चल रहे हैं यहाँ पर अभी, और आगे यहाँ पर छोटा सा रास्ता आ चुका है। और भाई साहब हम गिरने ही वाले थे बट हम बच गए। तो यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन वाला है कि हम इधर से जाए या फिर इधर से। आई थिंक ये वाला रास्ता थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं सीधे ताकि शॉर्टकट थोड़ा सा हो जाए, नहीं तो वापस से घूम कर आना पड़ेगा वापस से पीछे से। आप लोग समझ गए होंगे, आई थिंक यहाँ पर हमें सीधा ही जाना होगा। और यहाँ पर हो सकता है रिस्पॉइन पॉइंट भी हो, बट यहाँ पर तो आई थिंक हो गया गाइस। यहाँ पर मैंने जैसे कि बोला था, बट यहाँ पर हायाबुसा जो कि फंस चुकी है, नीचे गिर चुकी है। यहाँ पर मैंने वापस से रिस्पॉइन करवा दिया बट बाइक यहाँ पर फंस चुकी है। और अब देखते हैं क्या करते हैं इस बाइक का। और भाई साहब मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये बाइक यहाँ से निकल पाएगी, क्योंकि जो कंडीशन है बाइक की वो भी आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हमें पैदल चलना पड़ेगा और देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर मंगवा लिया दूसरी हायाबुसा को ताकि यहाँ पर हमारा टाइम बच सके। तो हम यहाँ पर चलते हैं आगे। यहाँ फैन आ चुका है बड़ा वाला, इसको क्रॉस करते हुए आगे चलते हैं। और भाई साहब यहाँ पर बिल्डिंग आ चुकी है साइड में, छोटा सा रास्ता है, देखते हैं किस टाइप से कंप्लीट हो पाता है। बट यहाँ फिर हमें वापस से पीछे आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर आगे बाइक थी वो भी वापस से गिर गई थी। मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर आगे, आप तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। तो वापस आ चुका हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके बाइक को यहाँ पर निकालना पड़ेगा ताकि जो हमने पिछली बार गलती की थी वो अब की बार नहीं कर सके, और यहाँ वापस से सिंपल से निकल सके। और फाइनली यहाँ पर हमने इसको क्रॉस कर लिया है, और आगे हम फैन आ चुके हैं। इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो फैन की जो स्पीड है वो भी काफ़ी मतलब तगड़ी है। और भाई साहब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फैन की स्पीड भी अच्छी है, साथ ही यहाँ पर जो डेंजरस रास्ता कह सकते हैं, क्योंकि फैन भी घूम रहे हैं, बाइक भी घूम रही है, और फैन एक नहीं बल्कि यहाँ पर 3-4 है। ठीक है, आप लोग खुद भी देख ही पा रहे होंगे, आई थिंक 5-6 फैंस है यहाँ पर, बड़े बड़े वाले बिग फैंस है, जॉइंट फैन। तो किस टाइप से हमें यहाँ पर निकलना है वो तो आप लोग खुद भी देख ही पा रहे होंगे। बाइक यहाँ पूरी जाम हो चुकी है, बाइक ना तो आगे चल रही है नहीं तो पीछे जा रही है। और भाई साहब पूरी पूरी कंट्रोल के अंदर मेरे नहीं है। अब देखते हैं यहाँ से बाइक को मैं किस टाइप से निकाल पाता हूँ या फिर नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पीछे लिए बट यहाँ पर हो नहीं रहा है, आई थिंक मुझे उतरना ही पड़ेगा, नहीं उतरा तो गाड़ी ये फंसी की फंसी रहेगी और टाइम चला जाएगा। तो चलते हैं आगे, यहाँ पर जंप करते हुए थोड़ा सा पैदल चलते हैं, फिर बाइक को वापस से रिस्पॉन करवा देते हैं। तो चलते हैं। और भाई साहब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एयरपोर्ट पर हम पहुँच चुके हैं, साइड में एयरपोर्ट रहने वाला है, साथ ही पुलिस स्टेशन भी सामने दिख रहा है। बाइक को रिस्पॉन हमने करवा दिया है, तो चलते हैं आगे। और भाई साहब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रास्ता आ चुका है काफ़ी शानदार वाला, तो आगे चलते हैं हम। तो आई थिंक अब हमें उस साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड में रास्ता है या फिर नहीं, तो इस साइड में रास्ता है तो आई थिंक यही वो घूमने वाला था, मतलब आगे तो मुझे रास्ता दिखा नहीं, तो इस साइड में रास्ता दिख चुका है, तो यहाँ पर चलते हैं आगे। और भाई साहब पेड़ पौधे आ चुके हैं, रास्ता थोड़ा सा पतला हो चुका है, और यहाँ वापस टनल आ चुकी है, और रेस पॉइंट भी आ चुका है। अगर रास्ता और भी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा पिछली बार रास्ता काफ़ी ख़तरनाक था। और फैन आ चुका है, क्रॉस करते हैं और धीरे धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फास्ट करते हैं तब यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टीज और भी सामने आ जाती है, क्योंकि जो रास्ता है वो भी काफ़ी शानदार है, ख़तरनाक है। और भाई साहब रिस्पॉन पॉइंट हमने ले लिया है, आगे चलते हैं और देखते हैं किस टाइप से रहता है। तो आगे चलते हुए हम यहाँ पर चल रहे हैं, और रैंप भी आ चुका है, यहाँ पर हमें थोड़ी धीरे करनी पड़ेगी बाइक को ताकि गाड़ी, ओ भाई साहब हमारी जो गाड़ी है वापस गिर गई थी, हमने वापस रिस्पॉन करवा दिए। आगे चलते हैं वापस से, वहीं से थोड़ी सी बाइक को स्लो रखना पड़ेगा।
तो ये क्रॉस करते हैं इसको और आगे चलते हैं। और पेड़ पौधे हमें नज़र आ चुके हैं, रिस्पॉइन पॉइंट को यहाँ पर कंप्लीट करते हुए आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो रास्ता है वो भी काफ़ी खतरनाक होता जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा हम वापस से नीचे गिर गए थे, अब यहाँ वापस चलते हैं आगे। और साथ ही आप लोग देख सकते हो वापस से टनल आ चुकी है, टनल और रास्ता काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। और भाई साहब यहाँ पर लालटेन वगैरह आ चुकी है, सही हुआ कि लाइट लालटेन से टकरा गया, नहीं तो बाइक जो थी वापस चली जाती नीचे। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, टनल से कम्प्लीट करते हुए वापस से। और भाई साहब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी खतरनाक वाला मतलब रास्ता है। ओ पॉइंट आ चुका है यहाँ पर, ओ यानी कि रिस्पॉन पॉइंट बोलते हैं इसको। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर जो आ चुका है कंटेनर काफ़ी ख़तरनाक वाला, आप लोग खुद भी इमेजिन कर सकते हैं किस टाइप से रहने वाला है, मतलब घूमता है बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब लगता है ऐसे, नहीं तो सीधे नीचे जाके गिर जाओगे। मैं करता हूँ इसको कम्प्लीट, आप लोग वीडियो में बने रहिए और साथ साथ यहाँ पर चलने आगे। और यहाँ वापस रिस्पॉन पॉइंट आ चुका है, तो अब यहाँ पर हमें मूव करना पड़ेगा इस साइड में और वापस आगे चलना पड़ेगा उस साइड में, आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर इस साइड में गए तो रास्ता आगे बंद है, इस साइड में रास्ता खुला है, तो इस साइड में चलते हैं। और फ्रेंड्स यार ये वाला मिशन मुझे तो काफ़ी शानदार लग रहा है, आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। जी हाँ दोस्तों मुझे तो काफ़ी शानदार लग रहा है, ये वाला जो मिशन है वो आपको देखने में मिलेगा RGS टूल यानी कि प्लग इन ऐप के अंदर। जी हाँ दोस्तों प्लग इन ऐप है जो कि हमारे जो गेम डेवलपर सर है रोहित गेम स्टूडियो उनका खुद का ही ऐप है, यानी कि प्लग इन ऐप। जी हाँ दोस्तों प्लग इन ऐप काफ़ी शानदार वाला ऐप है, तो उसके अंदर आपको ये वाला मोड मिल जाएगा। आप लोग एक बार डाउनलोड करके देख लेना, आप लोगों को पता ही होगा, या फिर जिन लोगों को नहीं पता इसलिए बता रहा हूँ, प्लग इन ऐप डाउनलोड करके उसमें आपको ये वाला मोड देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेना, हम आपको बताएंगे किस टाइप से मिशन को कम्प्लीट करना है पूरे का पूरा रास्ता, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। गाइजर मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ एंड यानी फिनिशिंग पॉइंट के पास, यहाँ पर आप इस टाइप से आ सकते हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो इतने गाइज, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।